आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं अरविंद नीमा की लिखी नाटिका नैहर छूटो जाए। निर्देशक हैं जटाशंकर शर्मा। कौन है? अंदर आ जाओ। अरे कृष्णन बेटा तुम? जी नमस्ते। नमस्ते, बड़े दिनों में आए। मैं तो समझती थी कि तुम हमें भूल ही गए। अरे नहीं, भूलूंगा क्यों, बस मरीजों से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। आज मिली तो सीधा आपके दर्शनों को चला आया। आओ बैठो बैठो। कैसे हो? ठीक हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब तो एकदम ठीक है। लगता ही नहीं है कि कभी इतना बड़ा ऑपरेशन भी हुआ था। और उस समय कितना डर गई थी आप? अब बेटा, पहले कभी तो ऑपरेशन वगैरह कुछ हुआ नहीं, और ऊपर से ये शहर वाले डॉक्टर बहुत डरा दिया था। बात तो सच ये है कि वो सब तेरे ही हाथ का हुनर था, जो 5 महीने में मैं एकदम ठीक हो गई। हुनर मेरा कैसा, ये तो बड़े बूढ़ों का आशीष है। हाँ, वो तो है ही, पर अब बड़े बूढ़ों के लिए एक बहू भी ले आओ। हाँ अब यही चल रहा है। कोई लड़की वड़की देखी है क्या? हाँ लड़की तो पसंद आ गई, देखें आगे क्या होता है। लड़की पसंद कर ली तो अब क्या होने को है? अरे हाँ मम्मी, वसुधा नहीं दिखाई दे रही। लाइब्रेरी गई है। अच्छा, उसकी शादी कब कर रही हूँ? वसुधा के पापा इसी सिलसिले में उदयपुर गए हुए हैं। हाँ। अगर रिश्ता तय हो गया तो सबसे पहले तुम्हें ही मिठाई खिलाऊंगी। हाँ, बेटा। अच्छा, फिर तो आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी? हाँ। कैसी तैयारी? मिठाई पचाने की। अच्छा अच्छा। हाँ। बोलो, चाय पियोगे या कॉफी बनाऊं? नहीं मम्मी, इसकी तकलीफ मत करो। अरे तकलीफ काहे की, तुम ही तो कहते हो कि अगर सदा निरोगी रहना है तो बिस्तर पकड़ कर मत बैठे रहना, घर के काम काज करते रहना, और अब आज खुद ही। अच्छा अच्छा, तो चाय ठीक रहे। हाँ, अभी लाई। आ गई वसुधा? हाँ मम्मी। आज कृष्णन आया था। कब? दोपहर में। कैसे आए थे? यूं ही मिलने चला आया था। बड़ा ही संस्कारी लड़का है। अच्छा मम्मी, तुम्हें उस दिन की बात याद है जब तुम्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा रही थी? याद क्यों नहीं बेटा, उस दिन तो एक तरह से मेरा पुनर्जन्म ही हुआ था। उस दिन तुम्हें गेट तक छोड़ने के लिए कृष्णन भी तो आए थे। हाँ, हाँ, आया था ना। तब तुमने उससे जो कहा था वो याद है तुम्हें? अच्छी तरह याद है। मैंने कहा था वो लड़की बड़ी सौभाग्यशालिनी होगी जो तुम्हारी पत्नी बनेगी। पर तू ये सब क्यों पूछ रही है? क्योंकि क्योंकि मम्मी, उसकी पत्नी बनने का सौभाग्य तुम्हारी ही बेटी को। वसुधा क्या हुआ मम्मी, खुशी की बात पर भी गुस्सा क्यों होती हो? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मम्मी जब मैं कॉलेज जाने लगी थी तब तुमने कहा कि तुम मेरी मम्मी के साथ साथ मेरी सहेली भी हो, कहा था ना? तो मैं आज अपनी उसी सहेली से अपने मन की बातें कर रही हूँ। मेरी बात सहेली की तरह सुनो ना मम्मी, प्लीज। मम्मी गुस्सा मत करो प्लीज। वसुधा ठीक ठीक बात कर। मम्मी कृष्णन मुझे हर तरह से अच्छे लगते हैं। आज वो कॉलेज आए थे और मुझसे पूछा कि क्या मैं उनसे शादी करने को तैयार हूँ। और तुमने अपना विवाह तय कर लिया? नहीं मम्मी, तय तो आप और पापा ही करेंगे। मैंने तो तुम्हें अपने और कृष्णन के विचार बताए हैं। कृष्णन को जवाब तो आप ही को देना है। तो मेरा उत्तर एकदम ना है। ये क्या मम्मी, इतने बड़े मामले पर तुमने बिना सोचे समझे फैसला सुना दिया, कुछ तो विचार करिए। अब विचार क्या करना है, कृष्णन अपनी जाति का नहीं है बस। ओह मम्मी, अच्छे लड़के के लिए आप 2 सालों से कितनी दौड़ धूप कर रही हैं, परेशान हो रहे हैं आप लोग, और जब वो मिल गया तो जाति बिरादरी के झंझट में उलझी। वसुधा तेरी बातों से विद्रोह झलक रहा है। विद्रोह नहीं मम्मी, कुएं से निकलकर विशाल सागर को अपनाने की विचारधारा है ये। अब देखो ना मम्मी, मेरे लिए लड़का चुनने के लिए आपके सामने ये बंधन है कि अपनी जाति के सीमित लड़कों में से ही किसी एक का चुनाव करो, और फिर चाहे वो योग्य हो या ना हो,
मुंह खोलकर लंबा चौड़ा दहेज मांगते हैं। लड़की के माँ बाप से अनुचित मांगे करते रहते हैं। ये कैसी विडंबना है कि सारी बुराई के होते हुए भी लड़के इसीलिए स्वीकार किए जाते हैं कि वो अपनी जाति के विशेष हैं, और सीधा सरल और सुयोग्य कृष्णन इसलिए त्याज्य कि वो अपनी जाति का नहीं है। ऐसी बात करती हो मम्मी। नहीं बेटा, कुछ भी हो, जाति में इज्जत तो रहती है। इज्जत? वाह मम्मी, तुम्हारी लड़कियां दहेज की आग में जलेंगी। लड़के वालों के दरवाजे से अपमानित होते रहना तो भी उफ ना करना, और वो कृष्णन तुम्हें पूरे सम्मान से बिना दहेज तुम्हारी लड़की को पत्नी बना रहे हैं, तो तुम्हें ये स्वीकार नहीं। ये गलत है मम्मी। नहीं नहीं, इसमें गलत क्या है, ये तो सदियों से चले आ रहे रीति रिवाज है। चले आ रहे हैं, इसका अर्थ ये तो नहीं कि तमाम बुराइयों के होते हुए भी चलते रहना चाहिए। मम्मी, अगर तुम मुझे सुयोग्य हाथों में देना चाहती हो तो तुम्हें ये सड़ी गली मान्यताएं तोड़नी ही होंगी। और फिर ये अटल सत्य है कि मेरे लिए कृष्णन से सुयोग्य और कोई नहीं होगा। वसुधा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे पापा जो लड़का देखने उदयपुर गए हैं, वो लड़का भी डॉक्टर ही है। डॉक्टर है तभी तो खूब दहेज मांगेगा, और पापा की सामर्थ्य से वो बाहर होगा, वो अपमानित होकर लौट आएंगे। तो तुझे उससे क्या मतलब? मुझे मतलब क्यों नहीं, मेरे पापा दर दर भटकेंगे, अपमानित होकर लौटेंगे, और मुझे कोई मतलब नहीं। जिन पापा ने मुझे जन्म दिया, मुझे शिक्षा की नहीं होगा मम्मी। क्यों, मुझ में भावनाएं नहीं है? ये आपने कैसे सोच लिया मम्मी कि मुझे कोई मतलब नहीं है? आप कैसे सोचती है मम्मी ऐसा? नहीं नहीं बस, रो मत बेटी, रो मत। मैं तो कह रही थी तुझे अच्छा घर और बर देने के लिए अगर हमें कुछ तकलीफ या अपमान भी सहना पड़े तो हम वो भी सह लेंगे। और आपको परेशान अपमानित देखकर भी मैं अपनी गृहस्थी में खुश रह सकूंगी, यही ना? एक तरफ से यही समझ ले। नहीं मम्मी, ढेर सारा दहेज देकर मेरे लिए वर खरीदने की कोशिश में कर्ज के बोझ तले मत दबो। मुझे तो ऐसी शादी करनी है जिसका आधार प्रेम हो, लालच नहीं, सम्मान हो, अपमान नहीं। बेटा वस्ता, प्रेम विवाह कभी सफल नहीं होते। वो अंधा प्रेम होता है मम्मी, जो क्षणिक आवेग में किया जाता है। मैंने तो बड़े सोच विचार के बाद कृष्णन जैसे व्यक्तित्व को स्वीकारा है, और फिर कृष्णन को तो तुम भी संस्कारी लड़का मानती हो ना मम्मी? तुम ये सारी बातें अपने पापा को भी समझा पाओगी वसुधा? जहां तक हो सके तुम ही समझा दो ना मम्मी, वरना मुझे तो हिम्मत करनी ही पड़ेगी। और अगर उन्होंने ना कर दिया तो बेटा? तो समझूंगी मुझ में आत्मविश्वास था ही नहीं। पापा? ओ वसुधा, आओ बेटे। पापा, आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? यू ही जरा लाइट चालू करने में आलस कर गया था, अब ठहरो मैं अभी जलाता हूँ। आप रहने दो, मैं जला देती हूँ। अब बताओ पापा, आप क्या सोच रहे थे? मैं कुछ भी तो नहीं। नहीं पापा, मुझसे छुपाओ मत, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत गुस्सा हैं, क्योंकि मैंने मम्मी से कृष्णन के लिए बहस की। अरे मैं तो उसके लिए तुम पर गर्व करता हूँ कि तुमने अपनी आसपास की घटनाओं से इतना कुछ सीख लिया है और अपने पापा की परेशानी को समझा। फिर भी बेटा, तूने गलत कहाँ कहा था, उदयपुर वालों ने सीधे 15 तोले सोना, घर की सजावट का सामान और 10,000 रुपए नगद की मांग कर ली, और इस पर भी ये सुझाव कि बारात 3-स्टार होटल में ही ठहरेगी। ये सब इसलिए ना पापा कि लड़कियों के माँ बाप को जाति बिरादरी के सीमित लड़कों में से ही किसी को चुनना पड़ता है। अब लड़के के पिता सोचते हैं अपने लड़कों की मांग अधिक है, इसलिए उनके भाव बढ़ा दो। इस तरह विवाह को उन्होंने व्यवसाय बना लिया। अब पापा, क्या हम उनकी अनुचित मांग के आगे सर झुका दें, विवाह को व्यावसायिक होने दें? क्या हम चुपचाप सब सहते रहें? नहीं नहीं बेटा, हमें तो विरोध करना चाहिए। तो फिर पापा, आप कृष्णन को स्वीकार कर लेना। कर तो लो बेटी, पर
पर लोग क्या कहेंगे? लोग तो उस समय कहेंगे जब आपके विरोध के होते हुए भी मैं अपना घर बसाऊं। अगर आप अपने हाथों सहर्ष कर देंगे तो कोई क्या कहेगा, और फिर भी कहे तो आपके पास उत्तर होगा। क्या? यही कि आपने मेरी खुशी के लिए ये सब किया है। पर बेटे ना पापा, अब आप कमजोर मत पड़िए, प्लीज हाँ कर दीजिए ना पापा, मेरी खुशी के लिए हाँ कर दीजिए प्लीज पापा। ठीक है बेटे, मैं कृष्णन से मिलूंगा बस। पापा आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अच्छे पापा। और नहीं मिलूं तो श्रीमती वसुधा कृष्णन क्या कहेंगी? तब भी वसुधा यही कहेगी कि पापा बहुत अच्छे हैं। नैहर छूटो जाए, अभी आपने अरविंद नीमा द्वारा लिखित यह नाटिका सुनी। निर्देशक थे जटाशंकर शर्मा। आकाशवाणी भोपाल केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल अब समाप्त होता है।